ट्राइंग वियर्ड स्ट्रीट फूड रेसिपीज का अब मुझे नहीं पता ये कौन सा पार्ट है, बट मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कॉर्न और चॉकलेट बनाया जा रहा था एंड आई वाज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस, लेट्स ट्राई इट आउट. ओके इसको निकाल लेते हैं अपन, लेट्स गो. एक ही बनाएंगे बिकॉज आई डोंट नो कैसा टेस्ट करेगा. कुकु वांट्स टू प्ले अभी का कुकु बाय. आई फील लाइक उसको बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है बाय बोल दो. बहुत भाग के आएगा पीछे. ओके लेट्स डू दिस. ये रहा कॉर्न. तो हम बनाएंगे भुना हुआ भुट्टा. मतलब मुझे भुट्टा बनाना ऐसे मतलब गैस पे फ्राई करके बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना मुझे चेन्नई के बीचेस की याद आती है और बेसिकली मैं अपना पूरा चाइल्डहुड चेन्नई में ही रही हूँ तो अभी भी याद आ रही है. ओ माय गॉड. आप लोग बताओ आप लोग का नेटिव क्या है बाय द वे. और सच्ची बताओ बीच पे भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और होता है. तो बीच से मुझे एक बहुत मस्त सी स्टोरी याद आई जब मैं कुछ साल पहले गोवा गई थी. तो गोवा के बीचेस पे ऐसे आप लोग को तो पता ही होगा कि अलग अलग वो बनाना बोट और बोटिंग और पैरा सेलिंग वो सब होता है. तो हम गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स पैरा सेलिंग गए थे. ठीक है, तो उसमें ना पहले आपको ऊपर ले जाते हैं एंड बोट चला देते हैं तो फिर यू आर लाइक फ्लाइंग इन एयर. तो वो करने के बाद ना हम सब वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे जो बोट पे उसको मैनेज कर रहा था यू लाइक क्या आप लोग बीच के सेंटर में स्विम करना चाहते हो. तो एवरीवन वाज लाइक हाँ ऑब्वियसली. तो उसने हम लोग से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेके ना उसने हमें फिर बोट के ऊपर से नीचे धक्का दे दिया या हमने जंप करा, दोनों में से एक चीज़ तो हुई थी. बट वहाँ पे बीच के सेंटर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ स्विमिंग करने में. सच्ची बताओ देखने में उतना बुरा नहीं लग रहा, आप लोग बताओ मुझे. बाय द वे डू यू लाइक ऐसे भुना हुआ कॉर्न या डू यू लाइक इट बॉयल करके मुझे ये बताओ. एंड ट्राई करना पड़ेगा क्या कहता. चलो मुझे क्वाइट ऑनेस्टली उतना बुरा नहीं लगा. ओके जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना गंदा नहीं है ये. इट्स ओके मतलब ठीक है. एनीवेज जाते जाते वीडियो लाइक करते जाना. न्यू हो तो सब्सक्राइब.